नमस्कार, कुकिंग रिपीट पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने वाले हैं मेथी की चटनी, इसे मेथी की लॉन्ची भी कहते हैं। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करें। इसे बनाने के लिए हमने 3 चम्मच मेथी को 4-5 घंटे भिगो दिया था और उसका पानी निकाल लिया। उसके बाद फिर पैन को गरम करें और उसमें 1 बड़ा चम्मच ऑयल डालें। ऑयल में 2 चम्मच मेथ, 2 चम्मच सौंफ भूनेंगे और साथ ही डालेंगे इसमें धनिया पाउडर। धनिया पाउडर 1.5 चम्मच धनिया पाउडर हमने डाला है। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर डालेंगे। 1/4 टीस्पून ही इसमें लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे और साथ ही डालेंगे 2 साबुत लाल मिर्ची और ये सभी मसाले भून लेंगे। जब मसाले भुन जाएंगे तब इसमें जो हमने मेथी भिगोई थी हम उसको डालेंगे। यहाँ पर हमने 3 चम्मच मेथी ली है जो ग्राम में करीब 50 ग्राम मेथी है और ये सभी चीजें हम भून लेंगे। 2 से 3 मिनट भूनने के बाद हम इसमें अमचूर पाउडर डालेंगे। करीब हमने 2 चम्मच अमचूर पाउडर डाला है। इससे मेथी की चटनी में बहुत अच्छा टेस्ट भी आ जाएगा और मेथी की कड़वाहट दूर हो जाएगी। ये सभी चीजें 2 से 3 मिनट करीब भून लेंगे। जब ये भून जाएंगी तब इसमें डालेंगे 1/2 ग्लास पानी और साथ ही इसमें हम डालेंगे नमक, जो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। यहाँ पर 1/2 चम्मच नमक डाला है और इसके उबलने तक अब हम इसे पकाएंगे और साथ ही हम इसमें जब एक उबाल आ जाएगा तो इसमें गुड़ डालेंगे। हमने यहाँ पर 50 ग्राम मेथी ली है तो करीब 50 ग्राम ही गुड़ डाला है, जो कि हमने चम्मच में 2 चम्मच गुड़ डाला है। आप इसमें चीनी भी डाल सकते हैं और गुड़ का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। ये बहुत ही खट्टी मीठी चटनी बनती है। अब इसे मीडियम फ्लेम पर उबलने देंगे जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाएगी, काफी थिक हो जाएगी। थिक होने तक हम इसे उबलने देंगे मीडियम फ्लेम पर और इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे। देखिए थोड़ा थिक हो गई है, अभी हम इसे 2 से 3 मिनट और पकाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है। आप इसे पूरी के साथ, कचौरी के साथ, मठरी के साथ कैसे भी खा सकते हैं। वैसे भी मेथी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती है। देखिए ये तैयार हो गई है, बिल्कुल थिक हो गई है। इसी कंसिस्टेंसी तक हमने इसको पकाना है। अब हम इसे एक डिश में निकाल लेंगे। मेथी की चटनी को आप 10 से 15 दिन ठंडा करके फ्रिज में भी रख सकते हैं। एक जार में भरकर इसे रखें ठंडा करके। मेथी की चटनी बिल्कुल तैयार है। आप इसे सर्व करें और किसी भी चीज के साथ खाएं, मठरी के साथ खाएं, कचौरी, पूरी, किसी भी तरह से खा सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर और कमेंट जरूर करें और अपने एक्सपीरियंसेस मेरे साथ शेयर करें। Thanks.